अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर कहा है कि अपने जो भी ये पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करें ऑफ अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब होता है कि वैल्यू डिवाइड में गिवन हो। अब जब भी हमारे पास इस तरीके से डिवाइड में कोई वैल्यू गिवन होगी, कोई फंक्शन गिवन होगा जिसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे, तो उसके लिए अब हम सेकेंड यूनिट पे आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिवीजन फंक्शन। डिवीजन फंक्शन या रैशनल फंक्शन दोनों का मतलब सेम ही है, डिवाइड होना, यानी कि दोनों आपके फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है। तो डिवीजन फंक्शन क्या है? और एग्जांपल, एक आपके पास एक्सप्रेशन यू है, दूसरी एक्सप्रेशन वी है। जैसे यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम यू कह रहे हैं, डिनोमिनेटर को वी कह रहे हैं। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इस पूरी वैल्यू को, तो एक फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक हमने याद कर लेना है। इसी फॉर्मूले को जहां पर भी हमारे पास इस तरीके से कोई फंक्शन आएगा जो डिवाइड हो रहा हो, वहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे। आपके पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पर दो तरीके से आपको काम करवाऊंगा। एक सवाल मैंने इनडायरेक्ट मेथड से करवाया, दूसरा सवाल मैंने डायरेक्ट मेथड से करवाया। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये गिवन है, जैसे हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे आपने उस तरीके से अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपके पास सवाल ये गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया ब्लैक से इस इक्वेशन वन का। अब जो न्यूमरेटर है उसको यू सपोज कर लें और डिनोमिनेटर को वी सपोज कर लें। तो यू आपने कहा लेट यू इज इक्वल टू एक्स, और वी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है। तो डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? वन। इस एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी वी का डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा? टू एक्स। तो अब क्योंकि आपने इसको यू और इसको वी सपोज किया था, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज फंक्शन आपके पास यू अपॉन वी है। जाहिर है अगर हम इसको यू कह रहे हैं, इसको वी कह रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब आपने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो आप स्टेटमेंट देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। अब ये जो आपके पास राइट साइड है, पूरा ये फॉर्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है, ये आपने एज इट इज अप्लाई कर देना है। तो वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। ये फॉर्मूला है डिफरेंशियल फंक्शन, डिवीजन फंक्शन का। तो डिवीजन फंक्शन आपके पास अप्लाई हो गया। अब वी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन ये पुट करना है, डी यू अपॉन डी एक्स की जगह वन आपने ये पुट करना है, सिमिलरली यू की जगह एक्स ये पुट करना है, और डी वी अपॉन डी एक्स की जगह टू एक्स पुट करना है, और वी की जगह यानी कि वी स्क्वायर, तो वी की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी आपने। अब आपके पास यहाँ पर वन मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आपके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर जो आते चलता आ रहा है। सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसको आप हाईलाइट कर देंगे। आपने अपने इस फंक्शन का, फंक्शन क्या था एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास आंसर ये आया, और इस तरीके से ये वाला सवाल आपका सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। ये जो ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया ये इनडायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है जिसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रहे हैं। आपके पास सवाल गिवन है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल दोबारा उतारा रहा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने स्टेटमेंट लिखी। अब आपके पास यहाँ जो फंक्शन है इसको हम यू और वी सपोज नहीं कर रहे, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। आपने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स एफ एक्स दोनों तरफ लिखा। अब आपके पास यहाँ पर राइट साइड में न्यूमरेटर को आप यू सपोज कर लें और डिनोमिनेटर को वी सपोज कर लें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। आप हवाला देंगे फॉर्मूले का, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। अब अगर हमने न्यूमरेटर को यू सपोज किया है तो, और डिनोमिनेटर को वी, तो आपके पास वी ये रहा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वी होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया आपने, ये यू है और ये वी। अब सिंप्लीफाई कर लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन प्लस जीरो, इस पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे तो टू एक्स प्लस टू प्लस जीरो, ये आपके पास सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया।
अब आपने यहाँ पर अपनी वैल्यू को, जाहिर है 1 प्लस 0 1 ही होता है और 2x+2 + 0 2x+2 ही होगा, बाकी ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, वो एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, तो x into 2x 2x² x into 2 + 2x 1 into 2x 2x होगा, 1 into 2 2 होगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई आपने ब्रैकेट को किया, क्योंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर आपने भी उसको नहीं भेजा, डिवाइड में आपके पास वी अपनी जगह है v² अब माइनस अंदर भेजेंगे, यहाँ पर आपके पास 2x + 2x 4x है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर -4x लिख दिया, माइनस इसके पास जाके -2x² - + -4x और -± 2, सिंप्लीफाई करें, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट करेगा, आपके पास x² - 2x² - x² 2x - 4x - 2x और इसी तरीके से आपके पास होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ पर आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है, कॉमन तो एक्स ही आ रहा है, लेकिन किताब के आंसर के मुताबिक हमने यहाँ पर एक्स कॉमन नहीं लिया, अदरवाइज आप एक्स भी कॉमन ले सकते थे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास माइनस ब्रैकेट में x² + 2x डिवाइड बाई ये वी पूरा x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो वो भी आपने एज अ होमवर्क ट्राई करना है।